बिना वोटर आईडी कार्ड के भी डाल सकेंगे वोट। 12 अन्य दस्तावेजों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर डाल सकेंगे वोट। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के वोटर पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य दस्तावेजों को अपनी पहचान के सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर वोट डाल सकेंगे। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया कि जिन वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है वो भी वोट कर सकते हैं। चुनाव अधिकारी ने कहा कि यदि किसी के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है, वो आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो समेत बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, रोजगार मंत्रालय की स्कीम अधीन जारी किया गया सेहत बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के अंतर्गत जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो वाले पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार या जनता क्षेत्र के पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से जारी किए गए सेवा आईडी कार्ड, संसद मेंबर और विधायक MLC को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की तरफ से जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी का इस्तेमाल करके अपना वोट डाल सकते हैं। बिना वोटर आईडी कार्ड के भी डाल सकेंगे वोट। 12 अन्य दस्तावेजों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर डाल सकेंगे वोट। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के वोटर पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य दस्तावेजों को अपनी पहचान के सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर वोट डाल सकेंगे। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया कि जिन वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है वो भी वोट कर सकते हैं। चुनाव अधिकारी ने कहा कि यदि किसी के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है, वो आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो समेत बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, रोजगार मंत्रालय की स्कीम अधीन जारी किया गया सेहत बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के अंतर्गत जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो वाले पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार या जनता क्षेत्र के पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से जारी किए गए सेवा आईडी कार्ड, संसद मेंबर और विधायक MLC को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की तरफ से जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी का इस्तेमाल करके अपना वोट डाल सकते हैं।